महोबा शहर के रहने वाली मामा भारती ने बताया है कि मैं कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं राजनीति के ही कारण मैं महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं उनको सुनती हूं। मेरे परिवार से पहले भी चला आया है कि जो गरीब परिवार है और जो महिलाओं पीड़ित रहती हैं, किसी महिलाएं ने अपने पति से पीड़ित है तो कुछ दहेज से पीड़ित है महिलाएं, तो कुछ लड़ाई झगड़ा से पीड़ित हैं, ऐसी कई महिलाओं से जब मैंने बात किया था, जब मैंने कल 31 अक्टूबर 2021 को अपने ही घर पे मीटिंग किया और जो भी एक बच्ची थी उसके पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, जो जैसे गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लड़ने के लिए और उनके सहायता के लिए कुछ सहयोग करती हूँ। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। कहाँ पे आज आई हुई है? आज हम यहाँ मामा दीदी के यहाँ आए हैं। मामा दीदी को आप जानते हैं? हाँ। कैसे जानते हैं? हमने उनका नंबर लिया था, बात की थी तो उन्होंने बुलाया था, तो फिर हम यहाँ आए थे। और भी कभी आए हैं? और कभी नहीं है, पहली बार आए हैं। मामा भारती से मिलके आपको कैसे लगा? हमें अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा, क्या खूबियाँ हैं? वो मतलब वो हमारी मदद कर रही है ना। क्या हो गया है आपको? हमारे ससुराल वाले हमें रख नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं दिया है और तुम दहेज लेकर आओ तो तब हम तुम्हें रखेंगे, नहीं नहीं रखेंगे। वो मारते हैं और घर से निकाल देते हैं। कहाँ शादी हुई? रतौली में, महोबा जिला में। हाँ, हमारी लड़की मर गई, दमान मर गया, इतनी सी बात थी छोड़ गए, मैंने सेके पाल दई, अब मैं उनकी व्यवस्था खान रो रही, तो अब ना मुहा के कागजात ना मुहा कुछ पता ना कछु, अब मोड़ी सहनी भाई, अब मैं का करूँ, मैं अब रो रही, अब उनकी शादी सदा खान रो रही, अब जब एकत्र है एक सगाई करी सो छोड़ दई लेन देन पर दे, छोड़ दई उनने, अब मैं कहाँ का करूँ, मेरी जब व्यवस्था है कर दी कि मुहा मोड़ी निकाल कैसे मन दे निकाल था कि यहाँ पर आज महिलाओं का प्रोग्राम मोहन बिमलेश ने बताओ जी। हाँ, तो यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा हुआ है उसके बारे में किस तरह का आपने महसूस किया? मैं यही सोच के आई कि मोरी जो परोटर है कैसा कछु बने, अब मदद मिले तो मैं वह लड़की निकाल दिया। मीटिंग में आई, क्या मीटिंग हो रही थी? यही कहाँ पिया खावे पीवे आदमी की कहाँ पिया कुछ नहीं देता हमारे, तो जा है कि हम मदद चाहते हैं कि हमारे आदमी ने कभी नहीं हमें ढंग से कहा पिया खाए पी। है भाई आपकी? हमारी बेटा कौन पढ़े लिखे यहाँ है 50-60 साल। अब तुम्हें तो देख रहे हो बेटा, आपके आदमी आपके साथ में नहीं रहता, क्या कहते हैं? बहुत कहते हैं कि हमें नहीं रखने आता। मैं कितने दिन से नहीं रख रहे हैं? ये हो गए कम से कम 2014 में, 2014 से पहले अच्छे से पहला। अरे ना अच्छे बेटा, अच्छे तो बताओ अपनी जिंदगी बिता। क्या करते हैं आपके पति हैं? वे कहाँ तक बुझाते ही मैं सिंचाई भाग में ड्राइवर गाड़ी चला। सरकारी नौकरी करते? हाँ, सरकारी नौकरी करती हूँ। तो अब आपका कैसे पेट रोटी चलता है? अब व्यस्त हुआ कि जब से मामा भारती ने पैसा बंधवा दे जब से कहाँ तो वही मैं खा रही, वही किराया भाड़ कहाँ तो बेटा। कितना पैसा मिला था? 1500। 1500 में हो जाता है? अब बेटा क्या करूँ, वही तो बड़ी मसूकियाँ दो। हाँ, 1500 रुपये बड़ी मसूकी। मेरी बच्ची का कस्तूरबा स्कूल में एडमिशन हुआ है मगर बच्ची के पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं। इस शर्म को महसूस करते हुए उस पीड़ित माँ की बच्ची स्कूल जाने के लिए बौखला रही है, रो रही है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक दर्द पैदा हुआ। मैंने सोचा कि बताइए हमारे देश के ऐसे कई नेता हैं जो लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते हैं, लाखों के अपने बैनर लगवा कर रोडों में छपवाते और टांगते हैं, लेकिन उनका जो मतदाता है
वो रोड में नंगा घूम रहा है। उनके तन ढकने के लिए एक वस्त्र नहीं है, ये कहीं की इंसानियत है। जब चुनावी दौर आता है तो वो नेता गरीबों के यहाँ पे गले मिलते हैं, उनसे भीख मांगते हैं कि आप मुझे अपना 5 साल का कीमती वक्त देना, क्योंकि ये गरीब जो होते हैं ये कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ ये जानते हैं कि ये लहर कहाँ जा रही है। भाई हम आपके घर जाएंगे, आपको दिलासा देंगे कि आप मुझे टिकट दी, मुझे वोट दीजिए, मैं आपका सपोर्ट करूँगा। यहाँ तक कि वो नेता उस परिवार का पूरा 5 साल का जिम्मा ले लेते हैं। आगे होता क्या है कि वोट मिलने के बाद नेता उन गरीबों को जानता नहीं है, कभी पहचानता नहीं है। यहाँ ऐसे कई परिवार बैठे हैं जिनकी आप बीती सुनते सुनते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इनमें से एक हमारी बूढ़ी काकी भी है, अगर आज इनको देखा जाए बुधिया कुशवाहा, तो इनकी उम्र करीब 50-60 के समथिंग होगी। इनके पति ने आज इनको घर से निकाल दिया, ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इनके साथ भी वो समस्या हुई है कि आज बुढ़ापे में इंसान सोचता है कि हमारा पति और हमारा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, लेकिन इस माँ का कोई सहारा नहीं है। दिक्कत है कि चुनावी दौर पर ही नेता अपने आप को हाईलाइट करते हैं चंद दौलत को बांट के, लेकिन मैं उस इंसान की बेटी हूँ कि मेरे पिताजी इकबाल अहमद, जिन्होंने हमेशा संघर्ष किया है और मेरे हाथ में जो हथियार रखा है उसको कलम कहते हैं, मेरे पापा ने जब वो कलम मेरे हाथ पे रखी थी तब उन्होंने इतिहास को दोहरा दिया था, और आज उनके ही सपोर्ट से मैं मामा भारती इन माँ बहनों के साथ में खड़ी हूँ। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।